हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2Pi क्लासेस। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, मींस हम इस मैटर राउंड एस प्योर का लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम इसमें फिनिश करेंगे। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर ये क्वेश्चन आप सर्च कर रहे थे, यहाँ तक पहुँच गए, तो बच्चों पिंड कॉमेंट चेक करिए। पिंड कॉमेंट क्या होता है? जो कॉमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिंड कॉमेंट बोलते हैं। रीड मोड पर क्लिक करिए, आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कॉन्टेंट यहाँ पर मिलेगा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। प्लीज चेक द पिन कमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, पार्ट ए, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। देखिए बच्चों, थोड़ा थोड़ा आप लोग को पता है, पहले भी हम एक्सरसाइज करा चुके हैं, केमिकल चेंजेस जहां पे भी होंगे, जब न्यू सब्सटेंस बनेगा तो उससे आप जो आपका ओल्ड सब्सटेंस था, यानी कि जैसा उसका एग्जिस्टेंस पहले था, आप उसको रिगेन नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं, देखिए मान लीजिए कि आपके पास वाटर है, सही है। अब देखिए, वाटर से आपने क्या बना लिया? आइस बना लिया, करेक्ट। क्या किया? वाटर का टेम्परेचर आपने लो कर दिया, वाटर को ले जाकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया, ठीक, और ये आइस में कन्वर्ट हो गया। ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है। जब भी स्टेट चेंज होता है, एक तरीके का ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ना, आप आइस से वापस वाटर रिगेन कर सकते हो, करेक्ट। आइस को मेल्ट कर दीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, हिला के रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, वापस आपको वाटर मिल जाएगा। तो एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। केमिकल चेंज में आपका जो सब्सटेंस है, ओल्ड वाला जो सब्सटेंस है, जो कि पहले आपके पास था, जैसे कि देखिए वाटर है, वाटर से आइस बनाया, आइस से वापस वाटर रिगेन कर लिया, लेकिन जब न्यू सब्सटेंस बन जाएगा और ओल्ड सब्सटेंस आप ना रिगेन कर पाओ, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं वहां पर समझ में आएगा, हाँ भाई केमिकल चेंज हो रहे हैं, करेक्ट। ओके, तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है। चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को पढ़ाया हुआ है, आप पिन कमेंट में चेक कर सकते हैं। नाउ पार्ट ए, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। देखो बच्चों, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट जब होता है, ठीक है ना, एक तो देखिए उसका शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, करेक्ट। आप देखते हो पौधे के कलर में, बच्चों जो प्लांट होता है उसके कलर में चेंजेस भी आते हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं पर शुरुआत में वो लाइट ग्रीन रहता है और फिर वो डार्क ग्रीन हो जाता है। ये चेंज इन कलर है, एक तरीके का केमिकल चेंज होने की निशानी है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे बच्चों। ये जो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट होता है, ठीक है, इसके लिए डिफरेंट हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, जो कि एक तरीके के केमिकल कंपाउंड ही होते हैं पौधे में। पौधे में एक तरीके की बच्चों केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस चलते हैं, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ होती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो आप ये भी समझ सकते हो, समथिंग इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस में आपने सुना होगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, इस तरीके से आपने सोचा होगा। तो वो कुछ इस तरीके से केमिकल रिएक्शन बच्चों होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, ठीक है ना, वाटर लेते हैं, करेक्ट, और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन यहाँ रिलीज होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर सनलाइट की जरूरत पड़ती है इनको, सनलाइट की, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये बैलेंस नहीं किया, क्लास 12th में इसको आप बैलेंस कर सकते, क्लास 10th में आप इसको बैलेंसिंग इसकी सीखोगे, तो वो नहीं। हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि देखिए ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जिसमें पौधे जो है अपना फूड तैयार करते हैं, अपना खाना भोजन तैयार करते हैं, आपने इस तरीके से सुना होगा, ठीक है ना। सोचिए अगर ये प्रोसेस ना हो, ठीक है ना, तो पौधे की ग्रोथ वहां पर संभव नहीं है। बिकॉज जब पौधे खाना ही नहीं बनाएंगे तो उसमें होने वाले जो भी केमिकल प्रोसेस हैं, ठीक है, वो रुक जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके आप सोच सकते हो, बस एक एग्जांपल हमने आपको दिया, पौधे में इस तरीके का प्रोसेस होता है, दैट इज व्हाट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये क्या है बताइए? ये केमिकल रिएक्शन का ही तो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा कि ग्रोथ ऑफ अ प्लांट क्या है, बताइए, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, करेक्ट। तो वैसे तो आप लोग को पता होगा, थोड़ा सा फील कराने के लिए हमने आपको एग्जांपल दे दिए, ठीक है ना। तो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट बेटा किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का। तो केमिकल चेंज को हम सीसी से दिखाएंगे, और जहां पर फिजिकल चेंज होगा उसको हम पीसी से दिखा देंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में जब हम पीसी लिखें तो आप लोग समझ जाइएगा पीसी का मतलब क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज, सही है। और जहां पर हम सीसी लिखेंगे आप समझ जाइएगा वहां पर हम लिखना चाहते हैं केमिकल चेंज, करेक्ट। इस बात का आप लोग इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। नाउ पार्ट टू, रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों देखिए, जब आयरन की रस्टिंग हो जाती है, कभी पुराने गेट्स वगैरह देखे होंगे आपने, घरों के गेट, या कोई आयरन का आर्टिकल आपने देखा होगा, लोहा नहीं होता है, लोहा हाँ, तो आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाती है, या कोई आयरन नेल आपने देखी होगी पुरानी आपके घर में, अगर कोई आयरन नेल ऐसे खुली पड़ी होगी कहीं पर, या छत पे कहीं खुले में अगर आयरन नेल पड़ी होगी, या छत पे आपके जो सरिया लगे रहते हैं, आयरन के जो सरिया लगे रहते हैं, देखा ना आपने, आयरन रॉड्स लगे रहते हैं ऐसे, उसमें जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ये केमिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ये केमिकल चेंज है। होता क्या है मैं आपको बता दूं, देखिए बच्चों, ये देखिए, ये आयरन जो होता है, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है। आयरन क्या करता है, ये ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में जो मौजूद ऑक्सीजन है और एटमॉस्फेयर में मौजूद जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब जो वाटर के पार्टिकल वहां पे अवेलेबल है, उनके साथ रिएक्शन करता है। देखिए ध्यान से बच्चों चेक करो, आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ मिलके, ये देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और ये क्या है,
मॉइस्चर है, ठीक है। मॉइस्चर का मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, यानी कि डंप एयर जब होती है, डंप एयर समझते हो आप, डंप एयर मतलब जैसे आजकल बरसात हो रही है, नमी हो जाती है एयर में, नमी हो जाती है ना, थोड़ी सी डंप एयर होती है। नमी का मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, वाटर वेपर से जो आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ेंगे, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे सस्पेंडेड हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, तो उन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स और ऑक्सीजन की हेल्प से ये रिएक्शन करता है, ठीक है, आयरन, और बना देता है आयरन का ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3.XH2O। ठीक है, अब x क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसके, वाटर के, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग बेटा क्लास 10th में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो एक कंपाउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है Fe2O3.XH2O, यही क्या है, रस्ट है, यही रस्टिंग का फॉर्मूला है, यही रस्ट है जो जंग लग जाता है। कभी पुराने गेट पे जंग लगाओ या आयरन नेल पे जंग लगाओ, आप देखते हो ये आयरन नेल पे बच्चों ब्राउन कलर का एक फ्लफी फ्लेकी सब्सटेंस जम जाता है, ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस मतलब ऐसा उसको रगड़ोगे ऐसा तो ब्राउन कलर का आपके फिंगर में कुछ लग जाता है ना, तो वही जंग होता है, वही रस्टिंग होती है, यही कंपाउंड होता है वो Fe2O3.XH2O, करेक्ट। तो एक बात बताओ, जब आयरन के किसी आर्टिकल में जंग लग जाती है तो क्या आप आयरन जो जंग होती है यानी कि ये जो रस्टिंग जो है, रस्टिंग से क्या आप वापस आयरन बना लेते हो, क्या वापस आयरन बन जाएगा, नहीं, ये केमिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ये केमिकल चेंज हुआ है, करेक्ट, जहाँ पे आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये देखिए ये रस्ट बना लिया है, दैट इज Fe2O3.XH2O, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, हम आप बस आपको दिखाना चाहते थे ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या बताइए, एक केमिकल चेंज का यहाँ पर एग्जाम्पल है, करेक्ट। उसके बाद मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, बच्चों आयरन फिलिंग्स जो होती हैं, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, छोटे छोटे आयरन के पीस हो गए, उसको बालू के साथ सैंड के साथ अगर आप मिक्स कर दोगे तो सिर्फ मिक्स ही तो किया है, आयरन के जो पार्टिकल है वो सैंड के साथ कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना कर लेंगे, ठीक है ना। और इसको आपने देखा भी हुआ है, ये देखिए देखिए ये है आयरन फिलिंग्स, मान लीजिए ये आयरन फिलिंग्स है इस तरीके से, ये देखिए ये आयरन फिलिंग्स है और ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे आपने इसका मिक्सचर तैयार कर लिया, और अगर आप चाहो तो इसको सेपरेट भी कर सकते हो, कैसे, मैग्नेटिक सेपरेशन से, ठीक है ना। ये एक मैग्नेट है मान लीजिए, ये मैग्नेट ऐसा इसके पास लेके जाओगे मिक्सचर के पास, तो यहाँ से आयरन ऐसा सेपरेट हो जाएगा, करेक्ट। तो देखा आपने, इसमें से आप आयरन डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हो विद अ फिजिकल मैथड, दैट इज वॉट, मैग्नेटिक सेपरेशन मैथड, करेक्ट। कोई भी केमिकल प्रोसेस से आपने इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो, आपको अलग से आयरन भी दिखाई पड़ रहा होगा, अलग से आपको सैंड भी दिखाई पड़ रहा होगा, तो एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। जब भी आप ये आयरन और सैंड का मिक्सचर बना रहे हो, किसका एग्जांपल है, एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, करेक्ट। तो ये एक फिजिकल चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए जरा, कुकिंग ऑफ फूड, ओके। जब बच्चों आप खाना पकाते हो, आपको क्या लगता है बताइए, जब आप खाना पकाते हो, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स आप लेते हो, ठीक है, कच्चा रॉ मटेरियल मतलब जो कच्ची साग सब्जी चावल ये सब आप लेते हो, उसको जब पकाते हो, जब आप पकाते हो आप उसको हीट देते हो, हीट एनर्जी देते हो, करेक्ट। जब खाना पक जाता है आपका, ठीक है, तो देखिए जो खाना जब कच्चा रहता है, आपका रॉ मटेरियल रहता है, सब्जी वगैरह जब कच्ची रहती है, वो एक अलग सब्सटेंस होते हैं बच्चों, और जब आप उसको हीट देते हो, उसमें मसाला वगैरह भी डाल दिया और तरह तरह की सब्जी वगैरह भी डाल दिया, तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, और वो केमिकल चेंज क्यों होते हैं, वो केमिकल चेंज होते हैं हीट जो आपने दिए, ठीक है, हीट एनर्जी देने के कारण वहाँ पर कुछ केमिकल प्रोसेस होता है, जिससे कि नए तरीके के सब्सटेंस बन के आ जाते हैं, और आप थोड़ा सा फील भी कर सकते हो बच्चों। मान लो खाना आपने बना लिया, सब्जी जब आपकी पक जाती है, तो क्या आप उससे वापस कच्ची सब्जी बना सकते हो, नहीं। तो ये किसका एग्जांपल है, एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है, करेक्ट। और केमिकल चेंज कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया, जो आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो, बर्नर से आप गर्म करते हो ना उसको, अपने बर्तन को जिसमें सब्जी वगैरह पक रही है, खाना अगर पक रहा है, ठीक है ना, तो खाने के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, जिनका डीकम्पोजिशन हो जाता है, कुछ नए प्रोडक्ट वहाँ पे बन के आते हैं, वो सब हीट देने के कारण ही होता है, ठीक है। हीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए आप बच्चों, टूल है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए जिम्मेदार होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हीट की वजह से वहाँ कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस पक्का होता है, तभी आपको न्यू सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, और वापस से आप जो आपका ओल्ड जो रॉ मटेरियल था उसको आप रिगेन नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। नाउ तो कुकिंग ऑफ फूड क्या हो गया बताइए, केमिकल चेंज का एग्जांपल हो गया, करेक्ट। नाउ डाइजेशन ऑफ फूड, बच्चों देखिए डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, जो आपके स्टमक में और इंस्टेंटाइन में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, करेक्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं, वो भी केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, एंजाइम्स आपके स्टमक में और इंस्टेंटाइन में जो मौजूद होते हैं वही फूड का डाइजेशन करते हैं, और फूड के डाइजेशन के दौरान ये जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये फूड के साथ एक तरीके का केमिकल
रिएक्शन करते हैं आप कह सकते हो, तब आपके फूड का डाइजेशन होता है और कुछ नए सब्सटेंस भी वहाँ पर बन के आते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, आप टॉयलेट वगैरह जाते हो तो वो सब क्या होता है, डाइजेशन के बाद ही तो बनता है, तो कुछ नए सब्सटेंस भी बन के आ जाते हैं, तो ये चीज़ है, करेक्ट। तो आप समझ रहे हो, तो मोटी मोटी बात यह है कि हमारे स्टमक और इंस्टेंटाइन में जो मौजूद एंजाइम्स होते हैं वो वहाँ पर किसी तरीके का केमिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तब फूड का डाइजेशन होता है, करेक्ट। तो ये क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। तो ये देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड क्या हो गया आपका, केमिकल चेंज हो गया। उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये हमने आपको बताया, वाटर लिया आपने, ठीक है, और उसको फ्रीज कर दिया, यानी कि आपने उसको आइस में चेंज कर दिया। ये देखिए, इसका टेम्परेचर आपने लो कर दिया, वाटर से क्या बन गया, आइस। हमने आपको क्लास में पढ़ाया, जब भी चेंज ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में जब भी चेंज होगा, मतलब ये कौन से स्टेट में, वाटर बताइए, लिक्विड में, और ये लिक्विड से किस में जा रहा है बताइए, सॉलिड में। तो चेंज इन द स्टेट ऑफ एनी मैटर इज नोन एज व्हाट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज। उसके बाद बर्निंग ऑफ अ कैंडल, बच्चों ये देखिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा बच्चों के लिए मेरे ख्याल से, कि इसको कौन सी कैटेगरी में डालें, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, बेटा जो बर्निंग ऑफ अ कैंडल होता है वो दोनों का एग्जाम्पल है, किसका, फिजिकल चेंज भी हो रहा होता है वहाँ पर और केमिकल चेंज भी हो रहा होता है, किस तरीके से, बात समझिए जरा। देखिए जरा, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये आपका कैंडल है और ये कैंडल की विक है, ये जो बत्ती होती है ऊपर, ठीक है, इसको आपने ऐसे बर्न किया, ऐसा मैच स्टिक से इसने आपको बर्न की, आपने इसको बर्न किया, ठीक है ना। तो होता क्या है, मैं आपको बता दूं, ये जो बत्ती ऐसे करके ये बर्न होती है शुरू में, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आसपास का टेम्परेचर क्या होता है, राइज हो जाता है। तो यहाँ का टी का मतलब टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर राइज हो गया। आप सुनो, यहाँ का जब टेम्परेचर राइज होता है तो ये जो वैक्स है, ये जो मोम है, ठीक है बच्चों, इस मोम में बच्चों डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसा कि पैराफीन एक हाइड्रोकार्बन का नाम है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, करेक्ट। तो ये डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसको आप कॉमनली बोल सकते हो कि जो वैक्स है, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जो वैक्स है, हाई टेम्परेचर के कारण मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, देखा है आपने, मोमबत्ती यहाँ से मेल्ट करने लगती है, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो सॉलिड वैक्स है ये किस में जा रहा है, लिक्विड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सॉलिड वैक्स है ये किस में चेंज हो रहा है बताइए, लिक्विड वैक्स में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फिजिकल चेंज है। तो ये जो सॉलिड फिजिकल चेंज, ये जो सॉलिड वैक्स है आपका, करेक्ट, ये लिक्विड में चेंज हो रहा है, ये किसका एग्जांपल है बताइए, फिजिकल चेंज का। लेकिन बच्चों यहाँ पर केमिकल प्रोसेस भी होता रहता है, कैसे केमिकल प्रोसेस होता रहता है हम आपको बताते हैं, सुनिए बात ध्यान से। ये जो टेम्परेचर यहाँ पर राइज होता है, करेक्ट, ये टेम्परेचर राइज होने की वजह से बच्चों बहुत सारा जो वैक्स है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके वेपर बनने में लगते हैं। ये देखिए, कुछ वैक्स का पार्ट किस में चेंज होने लगता है, वेपर में, ठीक है, और यही वेपर आके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो यहाँ पर इसका कंबशन होने लगता है, वेपर जो वैक्स के वेपर है उनका कंबशन होने लगता है। वैक्स का जो वेपर है उसमें क्या है बताइए, उसमें डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं। और याद रखिएगा, जब हाइड्रोकार्बन, कभी भी बच्चों हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बच्चों उसका क्या होगा, कंबशन होगा, भाई चेक करो ना, समझे ना। कुछ वैक्स तो मेल्ट करके नीचे चला गया और कुछ वैक्स का इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया वहाँ पर कि वो मेल्ट करने के बाद वेपर बनने लगा, सही है। वो वेपर उठ उठ के ऐसे ऊपर आते हैं, क्योंकि आपको पता है वेपर फॉर्म में अगर वैक्स होगा, यानी कि वो गैशियस स्टेट में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, करेक्ट। तो वो इस सर्फेस को छोड़ के ऐसे ऊपर आ जाता है, ठीक है ये, और यहाँ पर इसका कंबशन होने लगता है, ये बर्न करने लगता है, इसका कंबशन होने लगता है, ठीक है। कंबशन होने का मतलब है कि ऑक्सीजन जो अवेलेबल है यहाँ पर उसके साथ ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये केमिकल रिएक्शन करने लगते हैं, ठीक है, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप की गैसेस बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, और स्मोक बनता है वहाँ पर, और वाटर वेपर भी बनते हैं वहाँ पर, वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जब वो वेपर फेज में आते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वहाँ पर रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, करेक्ट, और कुछ केमिकल कंपाउंड्स वहाँ पर बनते हैं। तो आपने देखा फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है, करेक्ट। तो अभी इन्होंने हमसे पूछा था क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, तो अपनी नॉलेज के लिए आप लिख लीजिए क्या कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का भी एग्जांपल है और केमिकल चेंज का भी एग्जांपल है, लेकिन आपको इसमें से सेलेक्ट कौन सा करना था, केमिकल चेंज वाला। तो बर्निंग ऑफ अ कैंडल
को आप लोग केमिकल चेंज में सेलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, तो जवाब है ये सेलेक्ट करोगे। अरे भाई केमिकल चेंज हो तो रहा है ना, फिजिकल हो रहा है तो क्या हुआ, केमिकल चेंज तो हो ही रहा है तो इसको केमिकल चेंज वाले में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसको एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हो तो आप एग्जाम में लिख भी सकते हो कि वी नो दैट द बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज फिजिकल चेंज, इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज, बिकॉज द केमिकल चेंज इज अकरिंग हेयर, दैट्स वाई वी विल पुट दिस बर्निंग ऑफ कैंडल इन द कैटेगरी ऑफ केमिकल चेंज। को डाउट है बताइए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एंड स्क्रीन पे आएगा, फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन बच्चों करेंगे, ठीक है ना। तो एंड स्क्रीन पे उसका वीडियो आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।